भाई आज है ना मेरे साथ एक हादसा हुआ भाई। एक तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था, उन्होंने किसी और, जैसे कि भाई लिटरली कोई है ना स्कैम चल रहा है हाथों हाथ मैकेनिक को। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आई एम रियली वेरी सॉरी मैं आजकल अपलोड कम कर पा रहा हूँ, अब से रेगुलर व्लॉगिंग। जी हाँ, वेलकम टू सैटर्न शनि व्लॉग्स। जरा गाड़ी ऑन कर लूँ, गाड़ी को ऑन कर लूँ जरा भाई। तो भाई आज है ना मेरे साथ एक हादसा हुआ भाई, गाड़ी से रिलेटेड ही है, जरा बताता हूँ भाई। मैं सो के उठा 2 बजे, ठीक है, 3-4 बजे तक मैंने अपने जितने भी पेंडिंग वर्क्स थे सारे फिनिश करे, और फिर 4-4:30 बजे में गया जिम, एम्प्टी स्टमक, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था, एम्प्टी स्टमक जिम गया, खाली पेट वर्कआउट किया। मैंने वर्कआउट करने के बाद सोचा चलो भाई मेरे घर वालों से मिलने चलते हैं, बहुत दूर है उनका घर मेरे घर से। भाई मैंने है ना लिटरली मैं एम्प्टी स्टमक ड्राइव करके गया ऐसे ही, और है ना गलती से 7 बज गए, ऑफिस आवर शुरू हो गए, और भाई मैं इतना बुरा जाम में अटका भाई, पता है कहाँ पे, जहाँ पे है ना वो है ना जीटी के, और वो पूरा एरिया भाई पूरा JLN मार्ग वाला एरिया रोज का ही हो गया यार, गलती कर दी भाई। तो ये हो गया, ठीक है, मैं घर वालों से मिलने गया, घर पे जाके मेरी मम्मी कुछ की करने लग गई भाई, लड़ाई झगड़ा करने लग गई मेरे साथ। तो भाई मैंने डिसएंगेज करके मैंने कहा भाई चलो जा रहा हूँ, कुछ अपना बिजी थी यार, एक तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था, उन्होंने किसी और को भी इन्वॉल्व कर लिया यार मेरी हेल्प के साथ साथ, तो मैंने कहा चलो भाई भाई मैं जा रहा हूँ, तो इस बात पे वो गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद मैं निकला भाई, बताता हूँ जरा, थोड़ा गाड़ी चला लूँ, गर्मी हो रही है, AC ऑन कर लूँ। कट है ना भाई, तो अब से क्या गाड़ी का मामला है, तो भाई गाड़ी का मामला अब से ध्यान से रखूंगा भाई। मैंने सोच लिया यार अब से है ना गाड़ी चलाते हुए हमेशा व्लॉग्स बनाता रहूंगा, जिससे एकदम एक्टिव रहूंगा मैं यार। जब मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा होता ना यार, तो मेरे को बड़ा लो फील हो रहा होता है, मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तो भाई आई स्वेयर, अभी मैंने पता है क्या देखा, एक बाप एक्टिवा पे जा रहा है, पीछे अपने बच्चे को हाथ में, उसके दारू की बोतल भाई, बच्चे के हाथ में दारू की बोतल पकड़वा रखी है और चला रहा है खुद एक्टिवा भाई, क्रेजी। हाँ भाई, तो सीन ये हुआ, तो है ना मैं वापस जा रहा था मेरे फ्लैट की तरफ खाली पेट एकदम भूखा प्यासा, तो भाई एकदम से है ना सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, और मेरा शायद हल्का सा ध्यान नहीं था भाई, मेरी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को भेड़ दिया। हो जाता है भाई ऐसे, तो बहुत होता है ये जेंगा वाला जो होता है एक्सीडेंट, होता है भाई, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे को भी लोगों ने भेड़ा है, कोई बात नहीं यार भाई। एक अंकल थे, मैं उतरा गाड़ी से बहुत पीसफुली, अंकल भी उतरे पीसफुली, मैंने बोला अंकल सॉरी मेरी गलती है, मैंने मान लिया, बोलते अच्छा, तो उन्होंने हाथों हाथ ही मैकेनिक को कॉल कर दिया, जैसे कि भाई लिटरली कोई है ना स्कैम चल रहा है, हाथों हाथ मैकेनिक को कॉल कर दिया, मैकेनिक ने बोल दिया कितने 1500 रुपए, 2000 रुपए, सोचो हाथों हाथ अंकल ने प्राइस कोट कर दी, जो प्राइस मैंने उनसे पूछा कितने लोग है आप बताओ, मैंने तो बोला यार अंकल इंश्योरेंस में निकलता है वैसे तो ये सब कुछ, अपन ट्रैफिक पुलिस को बुला लेते हैं, एक काम करते हैं, बोलते नहीं 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 ट्रैफिक पुलिस को क्यों बुलाए, नहीं 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 इंश्योरेंस नहीं 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 शादी चल रही है, तो बोलते इंश्योरेंस नहीं 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 ये तो नो क्लेम वाला सीन है, आप पैसे दे दो। मैंने कहा चलो मैं मेरे पापा को कॉल करता हूँ भाई, मैं मेरे पापा को कॉल करता हूँ, मेरे कोई भी लीगल एडवाइस लेनी होती है मैं मेरे बाप को कॉल करता हूँ, क्यों ना करूं भाई, सबसे ज्यादा मेरी वही हेल्प करते हैं यार, तो मैं उन्हीं से हेल्प लेता हूँ, ठीक है। वो उन्होंने बोला कोई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस वाले अपने आप संभाल लेते हैं, उनको सीधा बोल दो कोई पैसे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने सीधा बोल दिया भाई देखो हाथों हाथ मेरे पापा बोल रहे हैं, अंकल मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अंकल मेरे पापा की उम्र के थे एक्चुअली, इसलिए मैंने सोचा भाई ये फाइट सही रहेगी भाई। अंकल ने एक बार और बोला, फिर एक बार और मैंने उनको वेट कराया, बीच रोड पे हमारी दोनों की गाड़ियां लगी हुई, पीछे जाम लग गया भाई, लिटरली पीछे जाम लग गया, पर फिर भी अंकल ने वेट करवाया, और मैंने बोला नहीं अंकल पैसे तो नहीं दूंगा मैं, आप तो इंश्योरेंस का क्लेम करा लो, चाहो आप ट्रैफिक पुलिस को बुला लो, मैं खड़ा हूँ यहीं पे। अंकल ने बोला, अंकल का इतना सा छोटा सा मुंह हो गया, अंकल बैठे अपनी गाड़ी में और चले गए, लिटरली चले गए यार, चले गए अंकल ने नंबर तक एक्सचेंज नहीं किया। मैंने बोला अरे अंकल, तो मैंने कहा पैसे तो नहीं दे सकता, बोलते अच्छा पैसे नहीं दे सकते, चलो फिर तो क्या करें, जा रहा हूँ मैं, चले गए भाई लिटरली अंकल। मेरे को बुरा भी लगा यार, बट मैंने कहा यार ये बहुत ही नेचुरल सी मिस्टेक है भाई, मेरे साथ भी 100 बार हो चुका है, मेरी गाड़ी के भी 100 बार अड़ चुकी है भाई, पीछे से आके लोग मार देते हैं, पहले मैं बुरा मान जाता था, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ दिस इज वेरी ह्यूमन मिस्टेक, इट्स ओके। एक बार तो जब मैं छोटा था भाई, एक आंटी ने तो मेरे को रुकवा ही लिया, मेरे से लाइसेंस ही ले लिया, फिर भाई वो तो हमारे कहीं से पता नहीं कुछ जानकारी निकलवा के बहन लाइसेंस लिया, मैं उस टाइम पे 18 ईयर्स का था मैं,
18 साल के बच्चे से आंटी ने लाइसेंस ले लिया। ये सारी गालियां बीप करनी है, ये मुझे याद रखना पड़ेगा। तो चलो भाई, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आज का व्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है। सैटर्न शनि व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरी मेरी जान, मेरी पब्लिक, तुम लोगों के लिए जीता हूँ भाइयों, भाइयों और बहनों, मैं तुम लोगों के लिए जीता हूँ, तुम लोगों के लिए व्लॉग्स बनाता हूँ। चलो मिलते हैं अगले क्लिप में। सीन ऐसा है, अभी मैं व्लॉग्स नहीं बना सकता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है। तो ज़रा सबसे पहले मेरे फ़ोन को खाली करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ज़रा देख लो भाई, अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ, घूमते घूमते ज़रा फ्लैट पे जाता हूँ और मेमोरी को क्लियर करता हूँ भाई। पूरा फ़ोन खाली करूँगा, पुराने सारे क्लिप्स हटाऊँगा। 256 GB का फ़ोन है मेरे पास, पूरा का पूरा भर जाता है भाई। मतलब लकीली मेरी गाड़ी के कुछ भी नहीं हुआ, सोच के देखो ज़रा ये बात, मेरी गाड़ी के कुछ भी नहीं हुआ भाई, लिटरली नथिंग हैपेंड। और उनकी गाड़ी का भाई सही बताऊँ तो आ गया था भाई डेंट, अच्छा खासा डेंट आ गया था, बम्पर वम्पर अंदर हो गया था। वो तो उन्होंने बढ़िया सी प्लेट भी लगाई हुई थी वाली जो होती है मेटल की रॉड, वो भी अंदर चली गई थी। बट भाई फिर भी यार उनकी गाड़ी पे ज़्यादा डैमेज हो गया। जो भी है भाई, भाई ज़रा देखो ये जो एरिया है ना पूरा, ये जो पाथवे है, ये देखो जहाँ पे जैसे ये बच्चा साइकिल चला रहा है वैसे ये पाथवे पे भाई अपन साइकिल चला सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी एक साइकिल खरीद लूँ, छोटी वाली BMX खरीद लूँ, मुझे BMX बहुत पसंद है, और मैं भी यहाँ पे साइकिलिंग शुरू कर देता हूँ यार, मेरा बहुत टाइम से मन है। क्योंकि यार एक्चुअली है ना BMX चलाने का जो मज़ा होता है ना भाई, बेस्ट होता है। साइकिल चल रही है पीछे, तो मैं भी सोच रहा हूँ कल से साइकिल चलाना शुरू करूँ भाई। ये देखो यहाँ पे इतनी सारा एरिया है भाई यहाँ पे, अब आराम से साइकिल चलाओ भाई कहीं पे भी। और BMX तो वैसे भी इतनी ज़्यादा मोबाइल और इतनी पेटीट होती है भाई BMX, तो आई थिंक ये सब जगह स्टंट्स करने के लिए बनी है भाई। ज़रा देखो, इमेजिन करो यहाँ पे मैं BMX से स्टंट्स कर रहा हूँ, सोच के देखो भाई। अपने फ्लैट का पूरा फ़ायदा उठाना है भाई। ये जो फ्लैट है ना भाई, ये फ्लैट भाई अभी ऐसा दिख रहा है, ज़रा देखो भाई, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम। ये देखो जैसे कि यहाँ पे मतलब एकदम अबैंडन्ड लग रहा है भाई, अबैंडन्ड लगता है मुझे ये पूरा अपार्टमेंट। बट फिर भी है ना, इसको हमको अबैंडन नहीं करना है, हमको इसको बढ़िया रखना है, तो बढ़िया यूटिलाइज करूँगा मैं। ये देखो क्या बात है, गया हूँ वापस फ्लैट पे। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद में भाई मेरे को ना लगा कि भाड़ में जाए दुनिया। मैं गया मेरी डोसा प्लेस पे डोसा खाने, वही जो डोसा प्लेस जिसपे मैं पहले भी जाता हूँ, पिछले वाले व्लॉग में भी आपने देखा होगा। मजा आ गया डोसा खा के, इतना मजा नहीं आया, वहां पे एक सर्वर है भाई साला, एक नंबर का किया है, वो इरिटेट करता है, बस ज्यादा भी नहीं है, इरिटेट करता है भाई। ऊट पटांग फालतू के क्वेश्चंस पूछता है भाई खाने से रिलेटेड, पता नहीं अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है वो, जबकि है वो अंडर स्मार्ट। बट जो भी है, मेरे घर वाले भी आए थे, मैं उनको भी लेके गया था, तब भी उस दिन भी ओवर स्मार्ट बन रहा। पर चलो जो भी है, सब गालियां ब्लीप करूंगा, आई एम सो सॉरी अगर मैं गाली दे रहा हूँ कोई भी ब्लॉग में, ब्लीप करना भूल जाऊं तो। भाई फ्लैट पे आ गया हूँ, सारा का सारा पुराना डेटा निकाल के मेरे हार्ड डिस्क पे डाल रहा हूँ, फिर ब्लॉग्स बनाते हैं। लव यू शनि फैमिली, इस अभी मिलते हैं, अभी मिल रहे हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो 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 हेलो, आई एम सो सॉरी इतनी देर से व्लॉग नहीं बनाया भाई, एक मिनट जरा लेंस साफ कर लूं, जरा एक मिनट। कैसे हो भाई, कैसे हो सब लोग शनियंस, आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भाई आप सबके कॉमेंट्स, अभी बैठ के रिप्लाई करूंगा सबको। भाई मैं ना इतनी देर से कोशिश कर रहा था भाई कि मैं ना मेरा डेटा वगैरह ट्रांसफर कर लूं, पर भाई कोई ना कोई सफाई का काम, कुछ ना कुछ खाने का काम भाई। अभी खाना भी बनाया मैंने, और भाई मैंने ये पैनकेक्स बनाए थे, और है ना पैनकेक्स खा रहा हूँ मैं। एक कल मैंने है ना कोकोनट मिल्क, उसमें ब्रोकली, टोफू, पास्ता और एक दो चीज़ें डाल के थोड़ा बहुत ऐसे है ना, ऐसे ब्रॉथ जैसा बनाया, वीगन कोकोनट मिल्क वाला ब्रॉथ, उसके साथ में भाई वाले पैनकेक्स खा रहा हूँ, बहुत यमी लगते हैं मेरे को। फुल प्रोटीन, फुल न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन तो भाई बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं वीगन प्रोटीन पाउडर भी ले रहा हूँ आजकल। और भाई सुनो, ब्लिंकिट पे कोकोनट वाटर मिलता है भाई, नारियल पानी, 98 या 89 रुपीज या ऐसे 80 कुछ रुपीज का मिल रहा है एक लीटर। जस्ट इमेजिन 50 रुपए का कोकोनट वाटर भाई वो ठेले वाला देता है नारियल, वो भी ऐसा बकवास एकदम, मतलब थोड़ा सा पियो पता नहीं, समझ नहीं आता किस चीज से पिए। और भाई ये रियल वाले इतना बढ़िया कोकोनट वाटर दे रहे भाई, मस्त, मेरे को तो, मैं तो रोज पीता हूँ एक पूरा डब्बा। ठीक है भाई, वो पी लिया, कॉफी पी रहा हूँ भाई, आज मैंने 3 कॉफी पी ली आज की, मैंने यही काम वाम करते करते। और जरा देख लो अभी जाके है ना सारा का सारा जो भी डेटा है वो देखो ट्रांसफर हो रहा है। ये देखो भाई,
94 GB, अभी तो 99 था, 99 GB तो मैं अभी ऐसे ही ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैंने एक पेन ड्राइव ली थी भाई हैदराबाद से, तो वो छोटी सी पेन ड्राइव है, वो है ना फोन में भी कनेक्ट हो जाती है, तो फोन का सारा डेटा निकाल के सीधा पीसी में डाल रहा हूँ, हार्ड डिस्क में डाल रहा हूँ भाई। हार्ड डिस्क भी मुझे नहीं कर न्यू हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि भाई गूगल ड्राइव भी मेरी भर चुकी है पूरी की पूरी, 200 GB मैंने गूगल ड्राइव पे रख रखा है। मैं ये सारे वीडियोस इसलिए स्टोर करके रखा हूँ क्योंकि मुझे ना आगे ज़रूरत पड़ेगी इन वीडियोस की, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई मेरे कंटेंट को रिविजिट करना। जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, मेरे मेन यूट्यूब चैनल पे जाके सारे वीडियोस को रिएक्ट करूंगा, बहुत अच्छा अच्छा रिविजिटेड कंटेंट बनाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि भाई मैंने सोच लिया है, आई एम द बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर, जितना ज़्यादा कॉन्टेंट तुम लोग को दूंगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। आई लव यू ऑल शनियंस। अभी बज रहे हैं सुबह के, शनियंस अभी है ना सुबह के 4:45 बज रहे हैं शनियंस, तो है ना अभी मैं जाऊंगा नीचे, ठीक है, नीचे जाके मैं थोड़ी सी मस्ती करूंगा, थोड़ा वॉकिंग करूंगा, थोड़ी जॉगिंग करूंगा, थोड़ा मस्ती, थोड़ा भाई थोड़ी सांस लूंगा यार, क्योंकि सनलाइट की मुझे बहुत ज़रूरत है, व्लॉग्स बनाने के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। वैसे भी है ना शाम को, है ना कल शाम को जैसा कि मैंने बताया था, मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई थी, एज यूजुअल मैंने उनको सॉरी बोला भाई, ठीक है भाई, हाँ सॉरी यार, वो तो भाई इतना गुस्सा हो रही फालतू में, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा होती है यार, अगर ये मेरी मम्मी व्लॉग देखेगी भाई यार बहुत गलत बात है यार, अच्छी बात नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा अपने अपने गुस्से को ध्यान में काम से, थोड़ा ईजी ब्रो, थोड़ा ईजी, थोड़ा चिल ब्रो, थोड़ा चिल करने का ब्रो, इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का लाइफ को। लाइफ सबके लिए एक जैसी चल रही है, सब अपने अपने डायमेंशन में है भाई, अपना ठंडा रहो भाई, अपना ठंडा रहो, ठंडा ठंडा कूल कूल, और भाई मस्त भाई। डर्मी कूल का ऐड याद आ गया एकदम से भाई, वो जो बचपन में आता ना डर्मी कूल का, भाई यार क्रिकेट के टाइम पे क्रिकेट देख रहा होता था मैं टीवी पे भाई, और वो ऐड आने लग जाता था, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोरिया लाया, ये गाना सुनते ही भैंस की टांग, मेरे को घमोरिया होने लग जाती थी, मेरे को खुजली शुरू हो जाती थी भाई बदन में, और मेरे को लगता था भाई डर्मी कूल खरीदना पड़ेगा, डर्मी कूल लेके आ गया भाई मैं, और लगाया मैंने भाई फुल ठंडा ठंडा, पर भाई मत लगाना भाई, पाउडर अच्छा नहीं होता स्किन के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगाता भाई, अब मैं जीरो प्रोडक्ट्स लगाता हूँ, बिल्कुल सात्विक रहता हूँ भाई, सात्विक लाइफस्टाइल, फुल मिनिमल। और भाई ये देख लो ऐसा दिख रहा है मेरा थ्रिफ्ट स्टोर इस टाइम पे, इतने सारे कपड़े यहाँ पे लगे हुए भाई, इतने सारे यहाँ पे हैं। एक जना मुझसे पूछता है भाई तुम्हारा कपड़ों का बिजनेस है क्या? हाँ भाई, ये देखो भाई कितने सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अब से मैं रोज अपडेट्स देता रहूंगा भाई, जो जो नए नए कपड़े आएंगे मेरे पास, और भाई बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई, मैं तो बस अभी है ना कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा कलेक्शन बना रहा हूँ, फिर उसके बाद है ना कुछ टाइम बाद जब मैं एकदम बढ़िया लॉन्च करूंगा तुम लोग को मजा आ जाएगा, जो जो भी जिसको भी जो भी चाहिए होगा उसके लिए वो चीज़ अवेलेबल करवा दूंगा बिल्कुल उसी के जैसी। आप मुझे फोटो भेजोगे, शनि भाई आपको ये आप ये दिलवा सकते हो हमें, मैं ढूंढ के लेके आऊंगा तुम लोग के लिए, मेरा थ्रिफ्ट स्टोर है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम लोग को रेडी कर दूंगा तुम्हारी पार्टी के लिए, मैं बहुत बढ़िया स्टाइलिस्ट हूँ होमीज, किसी को भी मेरे से स्टाइलिंग कंसल्टेंसी चाहिए हो तो मुझे बता देना, एक नंबर स्टाइल है भाई मेरा। मेरे पास में ये देखो भाई, जरा कपड़े देखो भाई, OMG, जरा कपड़े देखो भाई, कितने सारे कपड़े है भाई मेरे पास में, ये देखो ये पूरे इनमें कपड़े ही कपड़े है भाई, पूरे में कपड़े मेरे पास में अभी 500 से ज्यादा चीजें है भाई, विमेन और मेन, हम ये सब नहीं सोचते कि क्या विमेन पहन सकती है क्या मेन, जिसके जो फिट आ रहा है भाई वो पहन सकता है, सिंपल सी बात है। तो इस हिसाब से है ना ये थ्रिफ्ट स्टोर का लॉजिक होता है, फिर हम लोग है ना बढ़िया पूरा उसको मार्केट करते हैं भाई, हम लोग शूट्स में काम में लेते हैं, हम उसको बढ़िया जैसे जिसको भी चाहिए हम उसको वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, स्टाइलिंग क्रिएटिव स्टाइलिंग भाई फुल करते हैं, कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग, कभी भी किसी को भी जरूरत हो जस्ट हिट मी अप, ठीक है, हिट मी अप शनि भाई, सैटर्न शनि, लेट्स गो भाई। हाँ तो भाई बस अभी एडिटिंग खत्म करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अनदर व्लॉग, आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा, जल्दी से बना दिया, अब आज का व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ भाई, फटाफट व्लॉग्स आते रहेंगे भाई, धड़ाधड़। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कॉमेंट कर लो, शेयर कर लो भाइयों, नमस्ते, जय श्री राम सभी को, बाय बाय।